है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है। सब कुछ पैसा नहीं होता, बहुत जरूरी भी है लेकिन बहुत पैसा नहीं होता। लेकिन आज जो समाज में हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं और पैसे के खातिर क्या क्या नहीं कर देते। पैसे के खातिर एक दूसरे का गला काटने पे भी तैयार हो जाते हैं। बोलो नहीं होते, उनको डर नहीं लगता। आज चोरी चपारी लूट मारी सब किसके लिए हो रही है? सब पैसे के लिए तो है। आज घर घर से आपस का भाईचारा खत्म हो गया किसके लिए? सिर्फ पैसे की खातिर। भाई भाई में संवाद खत्म किसकी खातिर? पैसे की खातिर। जीजा साले में संवाद खत्म किसकी खातिर? पैसे की खातिर। आज घर में दो देवरानी है केवल, दो देवरानी जिठानी, लेकिन दोनों में संवाद नहीं है, सिर्फ पैसे की खातिर। आज के कैसे हालात हो गए देखा नहीं जाता, लेकिन पहले क्या था। इसीलिए कवि ने बड़ी वेदना के साथ में लिखा था, और क्या लिखा था कि आज के हालात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, इंसान के जज्बात कैसे हो गए, इंसान के जज्बात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए। गलत डाका लगवा रहे जनी, आज ये दिन रात कैसे हो गए, आज ये दिन रात कैसे हो गए, आज ये दिन रात कैसे हो गए, इंसान के जज्बात कैसे हो गए, इंसान के जज्बात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, आज के आदमी के हाथ कैसे हो गए, आदमी के हाथ कैसे हो गए, आदमी के हाथ कैसे हो गए, इंसान के जज्बात कैसे हो गए, इंसान के जज्बात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, आज के
समय बड़े ही मिलजुल कर रहा करते थे। थोड़े से भी बहुत अच्छा गुजारा कर लिया करते थे। पहले बहुत थोड़ा होता था लेकिन आराम से रह लेते थे। लेकिन आज सब कुछ होने पर भी घर में एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन, ये स्थिति हमारे भारत देश की है। लेकिन जब हम पहले इतिहास को उठाकर देखते हैं तो बताया जाता है कि कभी भी घरों में ताले नहीं लगा करते थे। जब मेगस्थनीज नाम का एक यात्री इस देश में आया तो उसने देखा कि एक बट वृक्ष पर, सूखा सा वृक्ष है, उसपे आभूषण टंगे हुए हैं। जब आभूषणों को देखा तो बड़ा ही हैरान हुआ। उसने एक जाते हुए रागी से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे इस देश में क्या पेड़ों पे फलों की जगह ये आभूषण लगते हैं क्या? तो कहता है, नहीं भैया, ऐसा क्यों कहते हो? कि देखो ये जो बट वृक्ष है, मैं इसमें देख रहा हूँ, दो दिन से रोज डेली मैं यहाँ से निकलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, लेकिन आभूषण ऐसे की ऐसे ही टंगे हुए हैं। लेकिन मेरे देश का चरित्र मैं बताती हूँ कैसा था। वो कहता है, रागी, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ के भी, इस देश के भी जो पेड़ पौधे हैं उनमें फल फूल ही लगा करते हैं, लेकिन आभूषण टंगने का एक कारण है कि कोई यहाँ पे गठरी छोड़ गया होगा, तो यहाँ किसी निकलने वाले ने ये सारे आभूषण इस पेड़ पर टांग दिए, जिससे कि कोई जो छोड़ कर गया है वो निकल कर दोबारा जाए तो आभूषणों का उसको पता मिल जाए। ये चरित्र था हमारा। लेकिन आज तो घरों से निकाल कर ले आते हैं। आज किसी की थोड़ी सी चीज अगर हमें मिल जाए तो देने की हमारी नियत नहीं होती। ये क्या लिखा, जिनको हम अपना समझते थे मगर, जिनको हम अपना समझते थे मगर, जिनको हम अपना समझते थे मगर, वो खपा बिन बात कैसे हो गए, वो खपा बिन बात कैसे हो गए, वो खपा बिन बात कैसे हो गए, इंसा के जज्बात कैसे हो गए, इंसा के जज्बात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए। सोचता है रात दिन बेमोल भी, मित्रों के ये ख्याल कैसे हो गए, मित्रों के ख्यालात कैसे हो गए, इंसा के जज्बात कैसे हो गए, इंसा के जज्बात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, आज के हालात कैसे हो गए, इंसा के जज्बात कैसे हो गए, इंसा के जज्बात कैसे हो गए, आज के हालात 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 कैसे हो गए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।